तो ये देख लीजिए गाइस, अंदर आपको लेकर आए हैं 360 सिनेमा हॉल। यहाँ पर है देख लीजिए जयपुर सब बैंगल्स भी यहाँ पर मिलने वाला। देख लीजिए ये रहा गाइस, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं मसाज चेयर। देखिए मूवी देखते देखते हुए भी कुछ स्टार्टर ड्रिंक्स वो ऑर्डर करते हैं, मॉकटेल्स हो गया। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू व्लॉग। तो गाइस अभी सगनो मोड़ के पास है, तो यहाँ पर RC वेस्टर्न मॉल है, इसको आज एक्सप्लोर करेंगे। तो अंदर चलते हैं। तो यही है गाइस वो मॉल जिसका मैं बोल रहा था, सिनेमा कैफे। मैं इसको एक्सप्लोर कर चुका हूँ, इसका व्लॉग मेरा देख चुका, पुराना व्लॉग है, एक दो महीने पहले ही मैंने बनाया था, बट मॉल को मैंने आज तक पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है क्या क्या यहाँ पर है। तो पहली बार जा रहे हैं, इसके पहले सिनेमा हॉल का जब व्लॉग बनाया था सिर्फ स्पेशल उसी का था, बट आज पूरे मॉल को एक्सप्लोर हम लोग करने वाले हैं। देखिए नो पार्किंग लिखा हुआ है, पार्किंग चार्ज के लिए ऐसे लगा दिए हैं, बट पार्किंग अलाउ नहीं है। द वेस्टर्न मॉल लिखा हुआ, प्रोजेक्ट बाय ड्रीम होम, तो नो पार्किंग है। अंदर लेके चलते हैं आप लोगों। ये पार्किंग जो की है यहाँ के जिनका दुकान वगैरह उनके वो पार्किंग की, वैसे आपको पार्किंग अलाउ नहीं है यहाँ। तो ये हम लोग एंट्री कर गए, वेस्टर्न मॉल लिखा हुआ है, पार्किंग के लिए देखिए इधर है। तो ज़्यादा बड़ा मॉल नहीं है, लेकिन जितना भी बड़ा है काफ़ी खूबसूरत है, और सिनेमा हॉल भी हॉल है तभी इसको पूरा मॉल बोल सकते हैं। तो अंदर जाने से पहले इधर का थोड़ा व्यू ले लेते हैं। इस साइड से देखिएगा रेमंड का जाने का शोरूम है, यहाँ पर से अंदर से भी जा सकते हैं, बाहर से भी रेमंड का है, देख लीजिए काफ़ी खूबसूरत है। तो अब चलते हैं इधर से अंदर, इधर आप लोगों को लेकर चलते हैं। ये देखिए पहले न्यू व्यू करके आ गया फैशन का, ये लड़कियों के लिए है। तो ये तो आप लोग देख सकते हैं इसको क्या एक्सप्लोर करना। ये फिलहाल हम लोग अंदर जा रहे हैं, ये देखिए ग्रिल इन भी यहाँ पर है ना ओपन, और सामने हमने का डोमिनोज है, देख सकते हैं मॉल में एंट्री किए हैं। ये पहला फ्लोर है, यहाँ पर लिफ्ट भी है, वेट वॉशरूम ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, देखिए फाइन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, चूँकि उगे तो 5 रुपये फाइन लगेगा। ये देखिए रेमंड का जो बाहर के आपको दिखाए थे वो इधर से भी एंट्री है। यहाँ पर आपको देखिए फिश स्पा है, फिश स्पा का गाइस हम लोग को चार्ज वगैरह पता चल गया, 100 रुपये का आपको 15 मिनट मिलने वाला है, देख लीजिए। और उसका भी सेम है मसाज चेयर, देखिए पूरा आपको मसाज उसमें मिलने वाला, बैठिएगा तो बहुत ही अच्छा एकदम ढमढम मारेगा। मैं एक बार करवा चुका हूँ इसलिए मुझे आइडिया है, देखने में लग रहा था मेरे को बेकार नकली, लेकिन बहुत अच्छा आपको बैठिएगा तो पूरा पैर एकदम हिला देगा, मसाज रियल में कर देगा, लगेगा कोई इंसान आपको कर रहा है, वैसा आपको फीलिंग आने वाला है। और ये फिश स्पा है, 150 रुपीज़ में आपको 15 मिनट मिलने वाला, देखिए और काफ़ी खूबसूरत सजाया गया, देख लीजिए रिलायंस ट्रेंड्स का भी है सामने। और यहाँ पर लड़कियों के लिए ज्वेलर है, आर्टिफिशियल जो ओरिजिनल ज्वेलर नहीं है। अच्छा से घुमा देते हैं, प्रिंस यहाँ पर है, देख लीजिए जयपुर का बैंगल्स भी यहाँ पर मिलने वाला, देख लीजिए जयपुर कहाँ जाएगा, यहीं पर आपको जयपुर का मिलने वाला है। ये अभी नीचे का हम लोग घूम रहे हैं, तो लिफ्ट से भी गए आप लोग जा सकते हैं, और यहाँ पर सीढ़ी है, ये देखिए यहाँ पर स्टेयर इधर से जा सकते हैं, और यहाँ पर लिफ्ट है, और सामने डोमिनोज है। तो हम लोग चलते हैं स्टेयर से, तो ऊपर जा रहे हैं आप लोगों को लेकर फर्स्ट फ्लोर पर, दो तीन फ्लोर यहाँ पर है। लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, लीजिए भाई जैसे फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, यहाँ पर देखिए रेमंड का है शोरूम, और ये रहा हम लोग का वो मूवमेंट्स। पहली बार इस मॉल में आ रहे हैं तो इसको एक्सप्लोर अच्छा से कर लेते हैं। यहाँ पर है वो मूवमेंट्स, दीवार आगे चलते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए ड्रिल इन, इसका अलग से ब्लॉग में स्पेशल ले आऊँगा, फिलहाल तो आप लोग दे सकते हैं सॉरी देख लीजिए। बाकी जो ये सब वो अलग से फ्लोर करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड्स है नीचे देखा था, यहाँ पर ट्रेंड्स है नीचे वाला है, ये सेकंड फ्लोर पर है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर सॉरी। आगे यहाँ पर चटर बटर है, अंदर लेके आप लोग जा रहे हैं, यहाँ पर डिज़ाइनर्स लड़कियों के लिए है, ये रहा चटर बटर, आगे देखिए ये फैशन का है, ये भी लड़कियों के लिए है, ये देख लीजिए काफ़ी खुश अच्छा सजाया गया चटर बटर, इसको अलग से एक्सप्लोर करेंगे। ये रहा गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चटर बटर फूड, चटर बटर फूड है, इसको अलग से मैं एक्सप्लोर करूँगा क्या क्या खाने को मिलने वाला है। इधर रहा हम लोग का मैक्स, देख लीजिए अभी फर्स्ट फ्लोर पे है, वे टू वॉशरूम फर्स्ट फ्लोर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए अलग से बैठने के लिए कोई, और यहाँ पर तो खाली है, चलिए आगे लेके चलते हैं। चलिए फर्स्ट फ्लोर पर है, पहली बार इस मॉल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी और आगे लेके चलते हैं सेकेंड फ्लोर पर, चलते हैं देखते हैं वहाँ हम लोग को क्या क्या दिखने वाला है। ज़्यादा बड़ा नहीं है बट जितना ही बड़ा है खूबसूरत मॉल है। चटर पटर वाला से थोड़ा आगे बढ़ रहे तो यहाँ पर हम लोग बाटा का शोरूम भी, यहाँ पर देख लीजिए बाटा का स्पेशली शोरूम भी यहाँ पर खुला हुआ है। तो ये सब तो आपको देखने रहते हैं, बाटा का शोरूम बहुत जगह आपको पटना में दिख जाएगा, बट मॉल में वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर, ले लीजिए एस्केलेटर से चलते हैं, एस्केलेटर भी यहाँ पर है, लिफ्ट भी है, स्टेयर भी है, तीनों आपको सुविधा आपको मिलने वाला है। बहुत लोगों को डर लगता है इस पर चलने से, तो आप लोग सीढ़ी से जा सकते हैं,
या फिर लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा हम लोग तो ट्रेन से दिख रहा है थर्ड फ्लोर पे आ गए, सेकंड फ्लोर पे आ गए, सॉरी दूसरे फ्लोर पर आ गए हैं। यहाँ पर ग्लैम स्टूडियो है, ये है लड़कियों के लिए है, बाल हेयर कटिंग करवाने के लिए। और देख लेते हैं बाकी सब, तो ये बंद है, ये भी बंद है, ये भी फैशन का कुछ है, ये लीना करके लिखा हुआ है, देख लीजिए। और ये देखिए गिफ्ट टॉय शॉप, अलग से गिफ्ट का यहाँ पर है खुला हुआ, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये गिफ्ट का अलग से शॉप यहाँ पर है, काफ़ी बड़ा शॉप है, खिलौना गिफ्ट जो भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। चलिए ये दिखा दिए आपको, और आगे लेके चलते हैं, यहाँ भी देखिए लिफ्ट, तो लिफ्ट से आप लोग आराम से आ सकते हैं, और एक्सेलेटर का भी बंदोबस्त है। यहाँ पर हम लोग आ गए साड़ी वाला, यहाँ स्पेशल साड़ी का 599 रुपये स्टार्टिंग है, देख लीजिए साड़ी पर्दा फ्लैट शिफ्ट 75% ऑफ। यहाँ पर भी कपड़ों का, ये रहा इधर का जो दुकान, अभी बंद है, ज़्यादा कुछ नहीं खोला गया है, तो इस मॉल में ज़्यादा कुछ नहीं खोला गया है गाइस। एक्सेलेटर से ही चलते हैं ऊपर, एक्सेलेटर मैं नहीं बोल रहा हूँ, बार बार कन्फ्यूज आते हैं फिर लोग। तो ये सेकंड फ्लोर पर थे, थर्ड पे चलेंगे, थर्ड पे देखिए जाइएगा तो ये चलेगा नहीं, आपको खुद ही चल कर जाना पड़ेगा, देखिए बस नहीं चल रहा है, एक्सेलेटर काम नहीं कर रहा है। तो सबसे ऊपर थर्ड फ्लोर पर हम लोगों को सिनेमा कैफ़े दिखने वाला, जिसका मैं ब्लॉग बना चुका हूँ, सिनेमा कैफ़े का ब्लॉग मैं बना चुका हूँ गाइस, जिसका स्पेशल है, आप लोग मेरा पुराना ब्लॉग चेक कर लीजिएगा। ये देखिए आगे हम लोग सिनेमा कैफ़े, ऊपर से थोड़ा आपको व्यू दिखा देते हैं नीचे का, देख लीजिए, तो सब कुछ आपको दिखा दिया है। सिनेमा कैफ़े लेकर चलते हैं थोड़ा सा, ले लीजिए हम लोग सिनेमा कैफ़े, मतलब सिनेमा के साथ आपको कैफ़े का भी यहाँ पर लुत्फ़ उठा सकते हैं आप लोग। बुकिंग बॉक्स ऑफिस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग आ सकते हैं पार्टी करने के लिए, सबसे अच्छा एकदम मतलब बेस्ट है ये, देख लीजिए 360 सिनेमा हॉल। तो ये देख लीजिए गाइस अंदर आपको लेकर आए हैं 360 सिनेमा हॉल, इसका अलग से एक ब्लॉग मैं बना चुका हूँ, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। ये मतलब कि पटना ही नहीं पूरे बिहार में पहला है 360 सिनेमा हॉल, देख लीजिए व्यू काफ़ी खूबसूरत है, आराम से यहाँ से आप लोग बैठ के देख सकते हैं, काफ़ी कम्फर्टेबल है, देख लीजिए कुछ अच्छा दिखा देते हैं, देखिए आराम से इसको बैठ के आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए भी है, और देखिएगा व्यू आप लोग देखिएगा तो पूरा 360 नाम है, राउंड जैसे ऐसे किया हुआ है, डायरेक्ट नहीं है, और स्क्रीन देख लीजिए तो बहुत ही आपको मजा आने वाला है, साउंड बॉक्स बढ़िया वाला है। तो मैं चाहूँगा गाइस आप लोग यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए, अपने फ्रेंड के साथ आइए, कपल के साथ आइए, फिर फैमिली के साथ आइए, और यहाँ का मजा लीजिए सिनेमा हॉल का, और साथ में कैफे भी है, साथ में दोनों मतलब प्लस एक ही साथ है, और फूड का भी आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। तो बुक माई शो पर भी है गाइस, और अगर बुक माई शो में आप लोग नहीं कर यहीं पर आके करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर है बॉक्स ऑफिस लिखा हुआ, यहाँ पर आके आप लोग ऑफलाइन टिकट बाय कर सकते हो। टिकट का ज़्यादा गाइस प्राइस नहीं लिखा है, मतलब 200 के अराउंड में आपको मिलने वाला है, वैसे आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर लीजिएगा, ऑनलाइन तो आपको टैक्स भी कट जाएगा, यहाँ पर आएगा तो आपको टैक्स नहीं कटने वाला है। तो ऊपर सिनेमा कैफे के पास आ गए हैं गाइस, थोड़ा सा मैनेजर से आप लोग को बात कराते हैं, क्या क्या सर हम लोग यहाँ पर फैसिलिटी मिलने वाला है। फैसिलिटी यहाँ पे अगर कोई आते हैं तो यहाँ पे आपका मूवी के साथ साथ खाने का भी फैसिलिटी है, और अगर मूवी में आप मूवी देखते देखते हुए भी कुछ स्टार्टर ड्रिंक्स वो ऑर्डर करते हैं, मॉकटेल्स हो गया, तो हम लोग वहाँ पे सर्विस करवा देते हैं। और यहाँ पर सर बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए? हाँ बर्थडे पार्टी के लिए भी है, यहाँ पे बहुत आए दिन बर्थडे पार्टी जो है हम लोग अरेंज करवाते हैं। नहीं वो आपका बूफे अगर लगता है तो बूफे का चार्ज होगा पर प्लेट के हिसाब से, और अगर ऐसे आप 10-12 लोगों के लिए आते हैं तो अलाकार्ट मेन्यू से हम लोग जो आप ऑर्डर करेंगे वो हम लोग करते हैं, उनका चार्ज करते हैं। नहीं नहीं बुकिंग के लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखिएगा लाइट ऑन होने के बाद आपको इसका खूबसूरती दिखेगा, तो जैसा कि मैंने आपको बोला बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस, देख लीजिए कितना ज़्यादा है, मतलब फोटो सेल्फी अगर लेना चाहते हैं उसका कोई भी आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। और साइड में आगे देखिए स्मोकिंग के लिए अलग है, अंदर आपको स्मोक करने नहीं अलाउ है, बालकनी वहाँ पर है खाली, तो वहाँ आप लोग स्मोक कर सकते हैं। चलिएगा इधर कोई इधर लेके चलते हैं स्मोकिंग जोन में, देख लीजिए ये रहा इधर का स्मोकिंग जोन, देखिए यहाँ भी काफ़ी अच्छा है, आराम से बैठ करके आप लोग स्मोक अपना कर सकते हो। ये यहाँ का मेन्यू है, अब बाहर का व्यू देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से आपको दिखने वाला है, शाम हो गया, लाइट वगैरह देखिए यहाँ पर लग चुका है, काफ़ी अच्छा है, खड़ा हो गया बैठ के देखिए काफ़ी स्पेस है। तो स्मोकिंग के लिए यहाँ पर अलग से बनाया गया, जो अंदर आपको नहीं मिलने वाला है, बाहर ही आपको अगर स्मोक जो करना चाहते हैं उनको ये बाहर ही आके करना पड़ेगा। तो चलिए फाइनली गाइस पूरा मॉल घूम लिए, सिनेमा हॉल के ऊपर आपको फिर से अच्छा से दिखा दे, जिन्होंने वो ब्लॉग नहीं देखा था मिस कर गए थे, अब यहाँ से फाइनली निकलने वाले हैं। ऐसे कुछ जो नीचे है
फूड वगैरह का कोर्ट खुला हुआ है, उसका अलग से ब्लॉग बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलिए ब्लॉग पॉइंट करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।